भूत बंगला है, बहुत खतरनाक भूत बंगला है, देख सकते हैं यहाँ गाइज। ये गदर 2 का ये पोस्टर लगा हुआ है। सनी देओल सर ने पहले तो हैंडपंप उखाड़ा था, पता नहीं क्या उखाड़ेंगे, देखते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम आए हैं अजमेर के सिटी स्क्वायर मॉल के अंदर, जो कि अजमेर का सबसे बड़ा मॉल है। अंदर चलेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। बर्गर किंग भी है यहाँ पर, और बाहर का इतना अच्छा माहौल है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा डिजाइन है। अंदर चलेंगे और बताएंगे क्या क्या है अंदर। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गाइस, ये है सिटी स्क्वायर मॉल के बाहर का नज़ारा, आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत सारी ये फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। ये देखिए, ये छोटी सी ट्रेन है और ये कार्स वगैरह है जिससे कि ये राइड करते हैं। और ये सबसे स्पेशल है लंदन बस, जो बच्चों के ऊपर सेकंड फ्लोर की ये जो बस है, बहुत प्यारी लग रही है। और इस मॉल के सामने यहाँ पर घूमने का मज़ा कुछ और ही है। ये पांडा ट्रेन है, ये आप देख सकते हैं, बहुत शानदार और बहुत लंबी है, बहुत प्यारी है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, ठीक है, समझ गया। गाइज, यहाँ पर खाने पीने की भी बहुत फैसिलिटी है, आप देख सकते हैं, आइसक्रीम और पिज़्ज़ा बर्गर हर चीज़ यहाँ पर है, और कैंडीज़ वगैरह भी बहुत है यहाँ पर, हर चीज़ की फैसिलिटी है। और कपड़े वगैरह भी मिलते हैं, देख सकते हैं, गर्ल्स की ड्रेसेस है यहाँ पर और बहुत ही अच्छी रेटों में मिल जाते हैं यहाँ पर। अच्छा गाइज, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जंपिंग का है और ये ड्रैगन, और ये देखिए आप, इतने से प्लेन हैं जो कि टॉय कार वगैरह राइडिंग हर चीज़ है। और आप देख सकते हैं गाइज, आप देख सकते हैं कि ये जो राइड है ये 2 या 3, आप देख सकते हैं वहाँ तक है, ये 2 या 3 दिन पहले ही स्टार्ट हुई है और बहुत प्यारा है, ये देख सकते हैं। और ट्रेन भी है वहाँ से, देखेंगे आप तो ट्रेन भी है, और ये बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। गाइज, ये जो झूले देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये बहुत ही प्यारे हैं और 2-3 दिन पहले ही खुले हैं, ये नए आए हैं, मतलब बहुत शानदार लग रहे हैं। और यहाँ पर स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा ही झूले हैं यहाँ पर। चलते हैं अब अंदर दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा क्या है। सो गाइज, यहाँ से लेंगे हम एंट्री, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉक्स ऑफिस है, जो यहाँ पर थिएटर है उसके टिकट वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं नीचे ही। सो गाइज, यहाँ से होने वाली है हमारी एंट्री, देख सकते हैं आप, बहुत प्यारी ये एंट्री है। और गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं मामा अर्थ और बहुत सारे, ये अपने काम के नहीं है यार, ये लेडीज़ है सारे यार। यहाँ पर ये रिलैक्सिंग चेयर भी हुआ करती थी, कहाँ गई, देखते हैं कहाँ गई, रिलैक्सिंग चेयर भी थी यहाँ पर। ओ, अंकल ने यहाँ शिफ्ट कर दिया रिलैक्सिंग चेयर को, आप देख सकते हैं, ये भी रिलैक्सिंग चेयर, बहुत बार आ चुका हूँ मैं, 3 चेयर हैं अंकल के पास, बहुत तगड़ा काम आते हैं भाई। अच्छा गाइज, आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, कि ये जो CSM मॉल वाले हैं ना, बहुत अंडशंड खर्चा करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ही खर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं इतना बड़ा जो हॉल है ना, इसके अंदर ये कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, फोकट खर्चा करते रहते हैं, बढ़िया लगता भी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही खर्चा करते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिटी स्क्वायर मॉल कितना बड़ा है, और इस इतने बड़े मॉल के अंदर ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। ये सेल्फी पॉइंट भी जो अलग अलग फेस्टिवल होते हैं उस अकॉर्डिंग बना दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि CSM अजमेर के नाम से ये सेल्फी पॉइंट है, और ये सिटी स्क्वायर मॉल के अंदर 4 चांद लगाने का काम कर रहा है। और आपको दिखाते हैं यहाँ की शॉप्स वगैरह, पूरा मॉल विज़िट करवाते हैं, तो वीडियो देखते रहिए, चलिए मॉल दिखाते हैं। सो गाइज, जैसा कि हम इतने बड़े मॉल के अंदर आ रखे हैं, तो मॉल के अंदर आए हैं, तो हमारे पास ये जो स्पाइकर का एक शोरूम दिखा है, चलिए उसके अंदर जाते हैं कपड़े लेने, आइए। कैसा लगा मेरा मजाक? सो दोस्तों, ये कहानी थी हमारी ग्राउंड फ्लोर की, अब चलेंगे हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। चलने के लिए हम ये लेंगे एक्सीलेटर, इसके ऊपर से चलेंगे, जाने के लिए मना क्यों कर रहा है भाई? तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा, चल जा, रोक ले बेटा। चढ़ने दे, ये चढ़ गया मैं, और ये मेरा दोस्त अभी भी वीडियो बना ही रहा है फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर की,
और मैं पहुंच चुका हूं फर्स्ट फ्लोर पे। चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर और क्या क्या है। ठीक है, समझ गया। सुशील, यहाँ हूँ मैं, आजा। देखो वो भागते हुए आ रहा है, बहुत बुरी तरह से भागते हुए आ रहा है, और ये आ गया, बहुत स्पीड में आया भाई। असंभव। दोस्तों आपको बता दूं, सिटी स्क्वायर मॉल में अगर कोई भी आया होगा ना, लड़का लड़की कोई भी आया होगा, तो इस दीवाल के ऊपर फोटो जरूर ली होगी। इस इतने बड़े मॉल के अंदर पता नहीं क्या पसंद आता है, जो इसके ऊपर मतलब इसके सामने खड़े होकर फोटो जरूर लेते हैं कोई ना कोई। आप देखे होंगे और आप नहीं भी देखे होंगे तो देख लेंगे। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम CSM के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हैं। अब हम जाएंगे सेकंड फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर आपको मैंने पूरा दिखा दिया है क्या क्या है यहाँ पर, अब हम जाएंगे सेकंड फ्लोर के ऊपर। तो आओ चलते हैं, आओ जल्दी आओ, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, सेकंड फ्लोर के ऊपर जाना है। अरे अरे भाई भाई भाई, कहाँ जा रहा है, ये तो आने का है, कहाँ गलत गलत जगह गलत गलत जगह, सॉरी माय मिस्टेक, कहाँ गलत गलत जाता है, आया जब से गलती कर रहा। आई एम सॉरी बाबू। सो गाइस, बहुत थक गए हम, अब चलेंगे ऊपर, तो लिफ्ट में चलेंगे। खुल जा सिम, खुल गया। देखो कितनी जलती है अपनी भाई, कितनी जलती है, बहुत बुरी वाली जलती है अपनी। अच्छा, हमको सिखा रही है। ये जो लोग होते हैं ना, वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं गाइस, जो मॉल में आ जाते हैं लिफ्ट के अंदर ही बैठे रहते हैं, ऊपर नीचे और कोई काम नहीं होता उन लोगों को। हम भी जा रहे हैं, देखो देख सकते हैं आप यहाँ से, बहुत प्यारा ये नज़ारा। सो गाइस, उतर गए हम, आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे आते ही ये डार्क फॉरेस्ट भूत बंगला है, बहुत खतरनाक भूत बंगला है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और यहाँ से आप देखेंगे इसका नज़ारा, तो बहुत खूबसूरत ये नज़ारा है। और ये 70 रुपये का कुछ टिकट है यहाँ का, यहाँ से देखेंगे आप, ये देखिए बहुत खतरनाक है भाई, गेट खुल रहा है। बच्चे तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आए। ये भाई है मेरा सुशील, ये कोई भी सेल्फी स्टैंड कहीं भी देखता ना तो बोलता मेरी ऐसे करके फोटो लो जैसे मैंने डेकोर करवाया है। क्या हुआ, देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शादी होने वाली है। क्या नाचो मैं। सो गाइस, हम थर्ड फ्लोर पे आ चुके हैं सिटी स्क्वायर मॉल के अंदर। थर्ड फ्लोर पे जैसे ही आया ना मैं, मेरे को एक बहुत दुखी खबर सुनने को मिली, वो आपको भी दिखाता हूँ मैं। गाइस, यहाँ थर्ड फ्लोर पे जो है एक गेम जोन हुआ करता था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गेम जोन दिस साइड, लेकिन पता नहीं क्या हो गया भाई ने यार गेम बंद कर दिए यार। मेरा बिल्कुल फिक्स था उसके साथ, पता है बिल्कुल ऐसा था मेरे साथ, बिल्कुल कम पैसे लेता था और मैं सारे गेम के मजे लेकर जाता था। नहीं, उस साइड में जो आप देख सकते हैं वो खाली एरिया पड़ा है, वहाँ पर वो गेम जोन का था उसका सेटअप, लेकिन अभी उसने बंद कर दिया, पता नहीं कहाँ गया होगा यार, कहाँ ढूंढूंगा उसको। गाइज यार, बहुत दुख हुआ यार उसका सुन के यार, मैं इतने कम पैसे देकर उससे सारे गेम के मजे लूटता था यार, पता नहीं कहाँ जाता। अभी तो बंद हुआ ना बाबा, तुम कम पैसे में खेलते थे। अबे भाई यार, वो इसलिए कनेक्शन अलग था यार मेरा और उसका, इसलिए वो धीरे से निकल लिया गेम, बोले बार बार आया था दोस्तों को। अब भाई उसको ढूंढना पड़ेगा, अजमेर शहर में चाहे वो कहीं भी मिल जाए, मैं उसको ढूंढ के उसके गेम फ्री में खेलूंगा इस बार, देखते हैं अब ढूंढते उसको। अच्छा ठीक है, समझ गया। बॉक्स ऑफिस एक जो नीचे था और एक यहाँ पर है, यहाँ से बॉक्स ऑफिस है, यहाँ से टिकट वगैरह ले सकते हैं, और यहाँ पर 2 या 3 स्क्रीन है, देख सकते हैं आप यहाँ से। और ये सबसे टॉप है, 3 स्क्रीन है इस थिएटर के अंदर अभी। कौन गाइज, ये गदर 2 का ये पोस्टर लगा हुआ है, सनी देओल सर ने पहले तो हैंडपम्प उखाड़ा था, पता नहीं क्या उखाड़ी के देखते फिर इतने टाइम बाद में इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करके आए होंगे गदर 2 में, अभी भी देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं आप, देख रहे हैं डर जाएंगे, तोपे चला रहे हैं इस बार, मुझे लग रहा है ये जो तोप का ये जो हैंडल है ना ये उखाड़ लेंगे, लग रहा है मुझे ऐसा ही कुछ। गाइस, जब हम अंदर गए थे तो ये कोई भी राइट चालू नहीं थी, अब आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लाइटिंग के साथ में और कितनी
अच्छी अच्छी राइडें हैं अब देखने को मिल रहा है। जब इनकी लाइटें चालू हुई ना तब देखने को मिल रहा है कि कितनी प्यारी ये जो राइडें हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। वाह यार, इसमें मुझे बिठा दिया ना तो मैं तो पक्का ही बैठ जाऊँ, लेकिन ये क्या बच्चों का ही लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये बिठा पाएंगे मुझे। गाइज, इस ट्रेन का नाम है छोटा भीम ट्रेन। छोटा भीम जो हम छोटे थे ना तब था ये, और अभी भी ये इतना सा ही है। कपड़े अभी तक इसने लिए नहीं है, लुंगी पहन के घूमता है, लेकिन आज ये इस ट्रेन का मालिक हो चुका है। ये ट्रेन खरीद ली है इस छोटा भीम ने, और ये सिटी स्क्वायर मॉल के अंदर ही काम करता है।